बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी डिलीशियस स्वीट कैरेमल ब्रेड, जो ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं 5 मिनट की ज़बरदस्त सी रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं एक अदद फ्राई पैन। इसमें हम डाल देंगे मेल्ट किया हुआ बटर, हाफ़ कप, छोटा सा कप मैंने लिया था, उसी से सारी चीज़ें अपनी नाप के डालेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं बटर की जगह। और यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं 1 कप गुड़, जिसको मैंने कूट लिया था। आप यहाँ पर ब्राउन शुगर या फिर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लेम ऑन करके बिल्कुल लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए हम गुड़ को पकाएंगे। तो ये देखें, गुड़ सारा मेल्ट हो गया है घी में। तो यहाँ पर आकर हम इसमें शामिल कर देते हैं 1/2 कप, उसी कप से जिस कप से हमने घी और गुड़ डाला था। दूध ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस दूध में मैंने 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया था। और अच्छी तरह मिक्स करते हुए हम इसको कुक करेंगे गाढ़ा होने तक। तो ये देखिए, जब ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए तो हम फ्लेम को बंद करके इस कैरेमल को साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप दूध और इसमें मैंने 1 अंडा डाल दिया, अच्छी तरह से फेंट लिया। और जी, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्रेड। 4 अदद मैंने ब्रेड ले लिए हैं। तो अब हम एक एक करके ब्रेड लेंगे और दूध में इस तरह से डबो देंगे। ये देखें, पहले वाला मैंने ले लिया, एक साइड से ही मैंने इसको डबो दिया, नीचे वाला साइड रहने दिया है। ज़्यादा नहीं डबोना, बस हल्का हल्का सा। और दूसरा भी इसी तरह दोनों साइड से हम डबो देंगे और इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए। इसी तरह ये तीसरा भी दोनों साइड से कर देंगे। तो सारे ब्रेड मैंने इस अमेज़े में डबो दिए हैं, अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, ब्रेड हमारे तैयार है। अब यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर घी डाल दिया है 3 से 4 टेबल स्पून। फ्लेम ऑन है, मीडियम फ्लेम पर हम ये ब्रेड तवे के ऊपर रख देंगे और अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। जब एक साइड से फ्राई होंगे तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से प्यारा सा कलर, केक की तरह इसका कलर आ गया है। और दूसरी साइड से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसी स्टेज पर अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो साइड चेंज करते हुए हम इसको चारों साइड से इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और जो कैरेमल हमने रेडी कर लिया था उसमें ये ब्रेड रख देंगे। चूँकि हम स्वीट कैरेमल ब्रेड बना रहे हैं तो इसमें रख देंगे और अच्छी तरह से इसको कूट कर देंगे चारों साइड से कैरेमल के साथ। और इसमें हल्का सा ऑयल भी है, फ्लेम इसके नीचे ऑन है। 1 से 2 मिनट इसमें रखेंगे ताकि अच्छी तरह से चाशनी वगैरह चूस ले। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त शाइनी सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम मुलायम यम्मी सा हमारा जो ब्रेड है वो बनकर तैयार है। आप इसे बच्चों को नाश्ते में भी बना कर दे सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार बना है, बिल्कुल केक जैसा इसका फ्लेवर है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। आप एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे ना तो मुझे यकीन है आप इसको बार बार बनाएंगे, आप बेकरी से केक लाना भूल जाएंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह इसको मैंने कटिंग भी कर दी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।